काल पाठ किया था, उग्रसेन सुतो कंस ससु प्रिय चिकित्सया रम्येन रश्मिन हयानांग जग्राह रोकमय रथ सती वृत। उग्रसेन नंदन कंस सस स्वर्णमय रथ परिवृत अपना भोगिनी जो देवकी, इनका आनंद वर्धन करने के लिए अश्व का रस्सी अपना हाथ से पकड़ा। कोई अश्वचालक से नहीं, खुद ही पकड़ा। जैसे यहाँ बोला ससु प्रिय चिकित्सया अपना भोगिनी, और भोगिनी ये दोनों शब्द किसमें है? वो कोश ग्रंथ में डिक्शनरी में है, तो जैसा भी हो दोनों ही चलता है। इनका प्रीति करने के लिए खोली रथ का घोड़ा का रस्सी पकड़ा, और उन्होंने क्या क्या दिया था ये भी कल बताया। देवकी का पिता देव, उन्होंने अपना कन्या को ससुराल जाने के वक्त सुवर्ण माला में विभूषित 400 हाथी दिया। बहुत कम ही आदमी देखा जो हाथी का गला में सोने का एक जेवर। हैदराबाद में एक म्यूजियम है, वो म्यूजियम में जाने से वो देखने मिलता है, हाथी का अलग घोड़ा का अलग। ऐसा कैसे कैसे लोग पहले ये करते थे, तो सबको 400 हाथी 10,000 घोड़ा और 1800 रथ और सब कोई अच्छा अच्छा अलंकार में सुशोभित करके उनका सेवा करने के लिए 200 कन्या भी साथ में दिया, नौकर भी साथ में है उनको सेवा। इसको ही बोलता है शाही विवाह। अभी इतना को खर्चा कोई ये कर सकता है? शंकुतुज मृदंगस्य ने दुर्दंदु भयो समम प्रयाण प्रक्रमे तावत बरो बुद्धु सुमंगलम। जब ये जा रहा है यात्रा का वक्त मंगल ध्वनि होने लगा। कैसे? शंख दुर्ज मृदंग दुंदुभी ऐसा मंगल ध्वनि होने लगा। ऐसा अभिदत्त समझना नहीं, यह मंगलजनक पताका। इसलिए यात्राकालीन जो शुभ मंत्र है इसमें कहते हैं धेनुर्वत्स प्रयुक्त, गौ का बच्चा दूध पी रहा है,
और वृष गज तुरगा हाथी बलद घोड़ा ये सब देखने से शुभ होता है। दिव्य स्त्री पूर्ण कुंभ, इसलिए दिव्य स्त्रियों ने पानी भरा के घड़ा को ले के आता है, ये देखना शुभ है। इसलिए कभी कभी ये होता है, जैसे निम्बा को वाला ठाकुर जी को होता है, यमुना को, यमुना से जल लेते हैं 108 महिला, ऐसा दिखाता है। दिव्य स्त्री पूर्ण कुंभ द्विज नृप गणिका, द्विज मतलब ब्राह्मण, नृप राजा, गणिका विश्व, पुष्पमाला पताका, फूल की माला और झंडा, ये सब देखने से शुभ होता है। अगर देखने का मौका ना हो तो पढ़ने से भी, पढ़ने का मौका ना हो सुनने से भी ये मंगल होता है। इसे बोलता है, हे मानव तुम अपना काम पे जाओ, कोई अशुभ रहेगा नहीं, ऐसा मंत्र उच्चारण करिए। पोथी प्रग्रहिनम कंस माभस्य हाशरीरवक् उत्साहमस्तमो पर्व हंताजान बहसे बुध हे अबुध अज्ञानी कंस, जो तुमको तुमने जिसका रथ परिचालना करके ले जा रहा है, इनका अष्टम गर्भ जो संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, वही पुत्र तुमको संहार करेगा। जैसा ही बात सुना तब कंस ने क्या किया, इत्युक्त स खल पापो भोजानाम कुलपांसन भगिनी हंतुमारुद्ध खड़ग पानी क्वचित गृही। भोजकूल कलंक, किसी ने कलंक ना, इसमें भी एक पाप काम करने वाला इस वंश में अब तक कोई नहीं हुआ, खोल दुर्मति ये अपना भोगनी को मरने के लिए खड़गो उत्तोलन किया, इसको गला कटी को इसलिए एक श्लोक है, धूर्तस्य वचने कस्ता क्वचिन मृषा, क्वचिन सत्य क्वचिन मृषा, क्वचिन वृष्टि क्वचिन रुद्र रुद्र श्रावणस्य घन यथा, श्रावण महीना में कभी रोद तो कभी बारिश, इसमें भी जो धूर्त व्यक्ति खोल व्यक्ति इनका वचन में कोई विश्वास नहीं करना। इसलिए सनातन गोस्वामी हम लोगों के पास आदर्श रखा, जब वही भुइया पातला पर्वत उनको पार कर देगा, बोला जब मैंने आप यहाँ रसोई पका के भोजन करके आराम करो, सुबह सुबह आपको पार कर देंगे। सनातन गोस्वामी बोला, क्या बोला, जो हमको रात ही पार कर देना, मैं यह ठंडा नहीं। साथ साथ अपने सेवक को पूछा, तेरा पास कुछ हैगा, बोला हमारे पास 7 आसरूपी है, 7। तब उन्होंने बोला 7 में ही क्यों लाया, साथ साथ लेके वो भुया को दे दिया।
भैया बोलते हैं मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं धर्मों के लिए आपको पार कर देंगे, धर्मों के लिए। तो बोला ये लेना ही आपका हमारा सेवा है, किसी लिए अगर आप ना ले और किसी ने मुझे मार के लेगा, इसलिए कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला मैं पहले ही जान लिया जो तुम्हारा सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, रात में तुमको मार के ये लेना था, तुमने पहले ही दे दिया, अच्छा ही हुआ, लेकिन मैं धर्म के लिए तुमको ऐसे ही मुफ्त पार कर दिए, लेकिन सनातन गोस्वामी उनको दे दिया। और साथ साथ सेवक को बोला सुबह जाओ लौट के जाओ, ये धन रखना और ये भजन करना एक नहीं है, मैं जा रहा हूँ मिश्र होकर वृंदावन, अब तुमने रखा इसलिए तुम जाओ लौट के जाओ। तो इनको क्यों ऐसा विचार आया ना, ये लोग कपटी है, लूट मार करके खाता है, वो इतना अतिथ्य करने के लिए तैयार हुआ ये भोजन वगैरह बना के भोजन करके जाओ, इसलिए बोला इसको वचन में विश्वास नहीं है। तो यहाँ बोलते हैं कुलोपासन, कुलोपासन मतलब वही वंशों का जो कलंकित करते हैं, मलिन करते हैं, वो क्या किया, जो भोगने को प्रति के लिए लोग खुद चलाते थे सारुति बनाते, और वही उनको मरने के लिए तैयार हुआ, क्या किया, जो अश्व का रस्सी पकड़ा था अपना खब्बा हाथ में, उसी से ही अपना बहन को बाल का मुट्ठी पकड़कर खड़गों से काटने के लिए तैयार हो गया। जो भोगनी को खूब प्यार का छल करता था अभी उसको गोला काटेगा, इसलिए दुख करके कहते हैं ओह ये आश्चर्य की बात है, खल व्यक्ति का शरम और लोक भय कोई चीज को अपेक्षा नहीं है, किसी को परवाह नहीं करता है, तो कैसा है, जैसे घातक किसको बोलते हैं, जल्लाद, वो मरने में कोई हाथ कांपता है उसका, इसलिए हर एक आदमी ये काम नहीं कर सकते, भैंस का बलिदान, बकरी का बलिदान, मनुष्य का बलिदान सब आदमी कर सकता है नहीं, इसलिए हमारा यहाँ कभी कभी लोग इसमें संकुचित होता है फांसी में चढ़ाने के लिए, जैसे रंगा बिल्ला इनको फांसी में चढ़ाने के लिए पाकिस्तान से आदमी बुला के लाया, ऐसा है चढ़ाने से पैसा मिलता है,
तम जुगुप्सितो परमानं निसंसं निरवत्रपं वसुदेवो महाभागो उवाचो परिसंतायन। कौन सा कर्म? जुगुप्सित कर्म। जुगुप्सित कर्म क्या है ना? स्त्रीहरण रूप निंदित कर्म। स्त्रीहरण स्त्रीलोक को वध करना, इसलिए जब महाराज हरिश्चंद्र डोम का नौकर बना था, अपना को बेच दिया था डोम का पास, वीरभद्र डोम, आज शमशान में वो कौर विशाल करती थी। उस वक्त उनका पत्नी को बेचा था एक ब्राह्मण का घर में, और ब्राह्मणी जो है वो उन्होंने विश्वामित्र इनका पुत्र को मारा, ऐसा नहीं मारा, जो बल से मारा, सांप ने को डसाया, और वही ब्राह्मणी कहने लगा मुर्दा को घर में रहने नहीं देगी, अभी उठा के ले जाओ। अब क्या करे? गंभीर रात्रि अंधेरा, मुश्किल से बच्चा को गोद पर उठा के शमशान में ले गया। तब क्या हुआ? तो उनको बोला हरिश्चंद्र को, इनको गला काटो, ये डाइनी है, ये बच्चा को मारता है। हरिश्चंद्र मार दिया। उन्होंने क्या बोला? मेरे से ये काम होगा नहीं, चाहे तो तुमको राजत्व जारी करके देंगे, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा जुगुप्सित क्रिया मेरे से कभी संभव होगा नहीं। स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, ये कभी नहीं होगा। राजपूत लोग भी स्त्रीलोक को नहीं मानते, ब्राह्मण को नहीं मानते, सागा भाई को नहीं मानते, बाकी लोग को मारे तो, और बेनिया को नहीं मारते, और डरपोक है। ये हमने किताब में पढ़ा था, जब राजस्थान गया था तो मैंने बोला ऐसा कोई है राजपूत देखने को मिलेगा, तो बोला दिखाएंगे। आजकल तो गवर्नमेंट बैन कर दिया, तो देखा एक राजपूत का देश में 5 अस्त्र रहेगा, एक रहेगा कृपाण, एक रहेगा बंदूक, एक रहेगा वर्षा, एक रहेगा बागनों का, एक रहेगा ढाल। ऐसा पिन के कैसे कैसे ड्रेस में चलता है वो दिखाया। तो बोले तुम आदमी को मरता है? बोले नहीं, इस लोग को हम लोग मरता नहीं, बड़ा ये है उसका भी नियम है, उसको मारेंगे नहीं। और ये इसको मैं करूँगा, इसको मेरे लिए संभव नहीं, जिसलिए मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा निंदित कर्म मेरा से कभी नहीं होगा। जब भी देखा कि अभी अभी शादी किया, अरे पत्नी को बहुत कर रहा है, तब भी उनका कोई गुस्सा हुआ नहीं। किसको? वसुदेव को। कैसे? उन्होंने अपना धीरज, गंभीर जो क्षमा, ये सब गुण का एक महान समुद्र है। यदि सवाल हो जे उनका जो वाक्य एक कंस कैसे श्रवण करेगा, स्वयं करे कैसे,
जो भगवान जान शेर सांप कभी भी इनका विरोध नहीं कर सकता। विश्वास होगा, मयूषारण्य में एक आदमी ने आदमी को सांप ने डसा, तीन चार आदमी एक साथ में जमीन में सोया था, सांप ने सबको तीन को लंघन करके उनको जाके डसा, ऐसा डसा उनको बांध के जब तक मौत ना हो तब तक छोड़ा नहीं, बाकी लोगों तो कुछ किया नहीं। इसलिए बोलते हैं ये सब ये लोग भी नहीं करते। तब वसुदेव क्या किया, श्लाघनीय गुण श्री भवान भोज जशस कर स्वकथम भगिनी घन्ना स्त्री मुद्वाह पर्वणि। हे कंस, तुमने भोजकुल का गौरव भोजकुल कुलदीप जो वीर है ये सब आपका गुण की प्रशंसा करते हैं। इसमें जो गुणवान व्यक्ति उन्होंने विवाह उत्सव भाषण में कैसे अपना अबला स्त्री जाति अनुजा कन्या को वध कर सकता है, अर्थात उनको लिए संभव नहीं जिनके सद्गुण है। इसका मतलब क्या है, इनका साथ जो उनका संबंध है रिलेशनशिप इसको भी उल्लेख किया। और क्या किया, लाभ, लाभ क्या, जैसे जोश लाभ होगा नहीं तो अवगुण होगा। उपकार, उपकार क्या, इनको रक्षा किया। अभेद, अभेद का मतलब तुम्हारे साथ संबंध युक्त, भेद नहीं भाई भगिनी। यही जो पांच प्रकार का साम, फिर उनको भय भी दिखाया, यह काल में परकाल में, यह काल में लोग निंदा करेगा और परकाल में नरक जाने पड़ेगा, ये भय भी दिखाया। इससे क्या किया, ना विविध प्रकार की भय दिखाकर उनको सांत्वना करने लगा युक्ति का साथ। इसका बीच में क्या, श्लाघनीय गुण, जो वीरों ने आपका गुण का तारीफ करते हैं, इससे क्या हुआ, गुणों कीर्तन। आज भोज जशस कर, भोज वंश का जशोवर्धनकारी, इस वाक्य में संबंध वंश का साथ संबंध युक्त होने से वंशों का भी महिमा रक्षा करने पड़ता है। भोगिनी तुम्हारा बहन, इसको कैसे हत्या कर सकते हैं, इसी कारण से जो मारने वाला इनका जसोलाभ और जननी स्त्रीलोक के बदल हेतु
धार्मिकत्व रूप जश लाभ अवगहित ये ना मानने से जश लाभ होगा। अब और हमारा सौभाग्य प्राप्ति से तो परोपकार हुआ, हमारा उपकार किया, इतना सब बात बोला। और क्या बोला ना, उद्वाह पर्व जी विवाह का दिन में ये कोई सोहनी होता है, और इससे क्या होता है, लोग निंदा भी करेगा, परलोक में नरक में जाने पड़ेगा। इसे क्या देखा जा, दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार की भय, दृष्ट होता है राजदंड और अदृष्ट होता है जमदंड। नरक भोग और इसमें चक्रवर्ती बात क्या बोला, श्लाघनीय गुण, तो इससे क्या होता है, यशस्वी गुण का पास अति निकृष्ट, यह शुद्ध सरस्वती का अर्थ, जो यशस्वी गुण इसका पास अति निकृष्ट अर्थात सुरभ नहीं तुम्हारा तारीफ करते हैं, लेकिन विद्वान साधुगण तुम्हारा कभी तारीफ नहीं करते हैं। और भोज यशस्कर, भोज मतलब भोज होता है क्या, भोज खाने को जाता है, मतलब क्या जो भोग को दुष्ट, जो भोग को अच्छा समझने वाला दुष्ट भोज खाता है, यही तुम्हारा ख्याति है। अथवा भोज शब्द का अर्थ कलह, इसलिए वही कलह का ज्यादा मात्रा में तुम्हें देखा जाता है, इसलिए भोजो सदस्य करो। इसमें भी व्यक्ति एकमात्र भगिनी को किस कारण से हत्या करेगा, अर्थात भगिनी का क्या, सारा कुल कोई विनाश कर सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये उसका दूसरी शब्द को ऐसे अर्थ किया। मृत्यु जन्म बतांग वीर देह न सहजायती उद्योग बाब सुतंते बा मृत्यु वही प्रणांग ध्रुव, आज हो 100 साल का बाद हो मृत्यु अवश्य ही, जिस रोज जन्म हुआ उस रोज उनका मृत्यु की भी जन्म हुआ। उसके लिए वो टाइम दे दिया, उसमें लेख में आता है इतना दिन तक जिंदा रहेगा, चलो मौत जन्म हो नहीं उसका, जन्म जैसे हुआ मौत को भी जन्म हुआ। अगर तुम सवाल करो तुम्हारा मृत्यु का भय से ही तुम भगिनी को वध किया करने के तैयार हुआ, तब उसके लिए ही बोला, जिनका जन्म होता है उनका देह का साथ उनका मृत्यु का भी जन्म होता है, आज हो 100 साल बाद हो मृत्यु निश्चित हो। इसलिए बोलते हैं कैसे,
कैसे सत्य है, कैसे श्योर है, एज डेथ। मृत्यु जैसे श्योर, इसमें कोई रुकावट नहीं कर सकता है। इसको क्यों बदल नहीं सकता है, बदल सकता है ना, कितना भी तपस्या करे आयु बढ़ा सकता है, लेकिन मृत्यु से बचेगा नहीं, बचेगा बचेगा नहीं। देहे पंचत्वम आपन्ने देही कर्मा नुगो बस देहांतर मनुप्रत्व प्राक्तनम तजते बपु। कर्मानुगम, कर्मानुगम मतलब कर्म का अनुसार, जैसे जैसे कर्म किया ऐसा ऐसा देह मिलेगा। इसलिए तो बोला, क्या बोला, जंग जंग बापी स्मरण नित्यम तजे तंत कलेवरम तंग तंग बापी तू कुंतेय सदा तद भाव भाविचा। जैसा जैसा चिंता करेगा ऐसे ही होगा। हिरण चिंता करके मरोगे, हिरण बनोगे, जल भरत बनाने इसी माफी। पूर्व शरीर को तक देता है, आत्मा तो वही रहा, इसलिए तो नित्य। अभी आज इतना ही